भोजपुरी इंडस्ट्री तैयार है फिर एक और बड़ी लड़ाई के लिए, और ये लड़ाई अक्षराज सिंह और रानी चटर्जी के बीच, यानी कि इन दोनों पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड के बीच हो सकती है फिर से एक बार घमासान। घमासान फिल्मों की नहीं, रियल लाइफ की है। भाई, रानी चटर्जी के दिन आजकल बड़े अच्छे चल रहे हैं, उन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिल रही हैं और पवन सिंह के साथ वो दो बड़ी फिल्मों में नजर आएंगी। फिल्म में बतौर अभिनेत्री यानी कि बतौर हीरोइन नजर आएंगी और दूसरी फिल्म में वो इनके साथ एक स्पेशल नंबर करेंगी। फिल्म शपथ में वो फुल फ्लेज रोल में होंगी और बॉस में एक स्पेशल नंबर करती नजर आएंगी। ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी, लेकिन अक्षरा और रानी के बीच झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा इस जगह से शुरू हुआ, अक्षरा सिंह ने जो एलिगेंस पवन सिंह पर लगाए थे उसके बदले में रानी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा, उसके बदले में रानी चटर्जी ने अक्षरा सिंह के खिलाफ ही बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई किसी का रेप नहीं कर सकता है, 2 साल कोई रिलेशन में रहने के बाद ये नहीं कह सकता है कि फलाना व्यक्ति ने मेरा रेप कर दिया है। यहाँ रानी ने ये भी कहा कि उनकी भी लड़ाई पवन सिंह से थी, उनकी भी लड़ाई पवन सिंह से बड़े लेवल की थी। उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल को बुलाकर पवन सिंह के बारे में अच्छी बात नहीं की, लेकिन यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। साथ ही रानी चटर्जी ने इस समय की जो हीरोइनें हैं उन पे तंज कसते हुए ये कहा कि हमारे टाइम की हीरोइनें जैसे रिंकू घोष, मोनालिसा, पाखी हेगड़े जैसी कई अभिनेत्रियां काफी मैच्योर थी, वो हर चीज को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती थी। खैर, ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन अक्षरा सिंह के आरोपों पर जो कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पे लगाए थे उस पर तंज कसना कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को हर्ट कर गया। ये वही अक्षरा सिंह है जिन्होंने रानी चटर्जी को बेस्ट ऑफ लक कहा था जब वो खतरों के खिलाड़ी में गई थी, और आज अक्षरा सिंह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रानी चटर्जी का नाम लिए बगैर बड़ी बड़ी बातें रानी चटर्जी के बारे में कह रही हैं। तब भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस से ही उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहा था, और आज भी जो लड़ाई लड़ रही हैं वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस से ही लड़ रही हैं। खैर, हम आपको अब बताते हैं कि अक्षरा सिंह ने रानी चटर्जी का नाम लिए बगैर क्या क्या कहा है। रानी चटर्जी का नाम लिए बगैर अक्षरा सिंह ने ये कहा है कि जी का फोन आया था। अरे, वो तो जी कहलाने लायक नहीं है, आप यहाँ जी का मतलब पवन सिंह से लगा सकती हैं, और फोन आया था जो कह रहा है वो रानी चटर्जी कह रही है अक्षरा सिंह से। फिर दूसरे स्टेटस में अक्षरा सिंह ने कहा है, यहाँ एक फिल्म पाने के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, यानी यहाँ एक फिल्म पाने के लिए लोग राजनीति भी खेल जाते हैं। खैर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को हर्ट करनी लाजमी भी है। अक्षरा सिंह ने ये कहा है अपने एक स्टेटस में कि मैंने उस वक्त इनका साथ दिया जब लोग इन्हें बेइज्जत कर रहे थे, मुझे इन पर दया आई, लेकिन आज लोग गेम कैसे खेलते हैं ये पता चल गया। इस वक्त अक्षरा सिंह तो मुंबई में नहीं है, मुंबई से बाहर है। हो सकता है मुंबई में आने के बाद जब अक्षरा सिंह से लोग संपर्क करे तो इस पर बयान उनका आ सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।